वाराणसी से ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट ताल ठोक के ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर किसी की बात हो रही है तो वो है देश की सर्वोच्च अदालत, जहां पर मुस्लिम पक्ष द्वारा तमाम दलीलें रखी गई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये दावा करता आया था कि निचली अदालत में उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारी बातें कही हैं जिन्हें आज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक बड़ा पॉइंट, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से बात की जाए तो मामले को डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर रोल की बात कही इस मामले को डिसाइड करने के लिए। दूसरा, जो 17 मई का देश की सर्वोच्च अदालत के डायरेक्शंस हैं, वो 8 हफ्ते तक जारी रहेंगे। आपको याद होगा 17 मई को सर्वोच्च अदालत ने ये डायरेक्शन दिया था कि एक तो जो वजू खाना है जहां पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग मिली, उसे संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में उसे बरकरार रखा था, तो यानी वजू खाने को संरक्षित रखने का जो पूरा प्रोसेस है वो जारी रहेगा। इसके अलावा नमाज पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोअर कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 17 के ऑर्डर में उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था और आज बाकायदा विदाउट रिस्ट्रिक्शंस नमाज ऑफर भी की गई, नमाज की भी गई। मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट जहां पर मौजूद थे, वो उनका रुख करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की दलीलें रखी गई और अब ये पूरा मामला, क्योंकि आपको यहाँ समझना होगा असदुद्दीन ओवैसी हो या मुस्लिम पक्ष हो, एक तरफ सियासी अखाड़ा इसे बनाया गया, दूसरी तरफ एक बहुत ही पेचीदा लीगल बैटल। बार बार ये दलील दी गई कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये उसका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नेचर चेंज करने का जो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा एक्ट घूमता है या फोकस्ड है, उसे लेकर एक कुछ पॉइंट्स रेज किए जिन्हें आज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सरल भाषा में आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं। देखिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने एप्लीकेशन हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है, उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7-11 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था, क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकंड वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में, एक मिनट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील है, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ एज आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ये पूरा मामला ट्रांसफर किया गया है। मेरे सहयोगी अरविंद सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। अरविंद, मैं स्टेप बाय स्टेप दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातें कही गई हैं उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज को इस मामले को ट्रांसफर किया जाना, और जब डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे तो उनके सामने वो कौन से सवाल होंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए अदिति, जो सुनवाई चली है अगर उसकी 4 बड़ी बातें कहें दर्शकों की सुविधा के लिहाज से, तो वो ये है कि इस मामले में अब निचले सिविल जज के बजाय जिला जज सुनवाई करेंगे, और जो आपका सवाल था, जिला जज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन पर विचार करेंगे जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मेंटेलिटी के आधार पर जो याचिका है वो दायर की, यानी उनका ये कहना है कि हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई के लायक ही नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी और इस आपत्ति वाली जो अर्जी थी उस पर सबसे पहले जिला जज तेजी से सुनवाई कर उस पर फैसला लेंगे।
तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया गया है उसकी सुरक्षा दी जाएगी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जगह पर शिवलिंग होने का दावा किया गया है उसकी सुरक्षा दी जाएगी। तो अरविंद, इस वक्त अरविंद के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। गौरव भाटिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया, जल्दी से एक कमेंट में आपका इस पर चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर करना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंसर्न्स जाहिर करना, रिपोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट है और एक पक्ष द्वारा सिलेक्टिव लीक की बात की जा रही है उस पर चिंताएं जाहिर करना, और साथ ही मई 17 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे बरकरार रखना, जो उसके डायरेक्शंस हैं उन्हें बरकरार रखना फॉर 8 वीक्स, बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत से बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। और एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मुस्लिम पक्ष था उसने कई बार ये बात कही कि जहां शिवलिंग पाया गया है उस पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, तो वजू नहीं हो पा रहा। इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना पहले आदेश पारित किया था उसको बरकरार रखा है, उसको बदला नहीं। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय का ये मत था कि क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है इसलिए ऐसा जज इसकी सुनवाई करे जिसको अनुभव हो, और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो इस मामले की सुनवाई अब करेगा इसकी संवेदनशीलता को देखते और जो ये मामले में और पेचीदगियां हैं। चौथी बात जो आपने कही, सर्वे रिपोर्ट का लीक हो जाना, तो बिल्कुल एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते अदिति जी मैं ये बात कहूँगा कि अगर कोर्ट के आदेश के द्वारा कोई कोर्ट कमिश्नर बनता है तो वो रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष आनी चाहिए, और शुचिता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वो कोर्ट जब तक उस रिपोर्ट का अध्ययन ना कर ले वो सार्वजनिक ना हो। लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ना होगा कि उससे जो रिपोर्ट में चीजें सामने बाहर आई हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो कोर्ट और न्यायालय पे ही डिपेंड करता है कि वो उसको स्वीकारे या आगे फिर आदेश दे कि और सर्वे होगा या ना स्वीकारे। लीक होने से जो रिपोर्ट की एक वैधता है या उसके जो तथ्य हैं उस पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोर्ट का विवेक होता है। जी, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है वो सवाल ये है, ये स्टेटमेंट है यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल का, और रिपोर्ट के मुताबिक वहां शिवलिंग है तो मुसलमानों को वो जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, इस पर बीजेपी का स्टैंड, इसे बीजेपी ये यूपी सरकार का स्टैंड हो सकता है क्या, इसे आपकी पार्टी का भी स्टैंड माना जाए? देखिए अदिति जी, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार का भी स्टैंड नहीं हो सकता है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, संविधान में और न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की पूरी आस्था है, और जब एक मामला लंबित है तो हम सबको न्यायालय का आदर करते हुए उसकी सुनवाई का और फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, और जो न्यायालय तय करेगा वो विधि संगत भी होगा और उसमें हमारी आस्था भी होगी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान भी हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कलीमुल हफीज हैं हमारे साथ AIMIM का पक्ष रखने के लिए, वाराणसी में हमारे साथ पंडित प्रसाद दीक्षित हैं, ट्रस्टी हैं काशी विश्वनाथ टेंपल के, अब्दुल कलाम अंसारी हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, डॉक्टर अनुराधा सिंह है हिस्टोरियन है BHU में, और उनके अलावा मौलाना अहमद मोहम्मद असलम है मुस्लिम स्कॉलर हैं। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया मौलाना मोहम्मद असलम, आपका भी चाहूंगी। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसको मानेंगे। तो फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है और उस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? सियासी लोग को अगर कोई जमीन नहीं मिलती तो नई जमीन खोज लेते हैं,
अब्दुल कलाम अंसारी, आपका कमेंट इसी पर, काशी अपने आप सोल्यूशन ढूंढ सकती है तो मामला कोर्ट तक क्यों पहुंच गया फिर? कोर्ट की मामला जो है, कोर्ट का मामला हम लोगों को क्या, पूरे हिंदुस्तान को मानना चाहिए, उच्च न्यायालय है और जिसके पास कोई काम नहीं होता है वही विवाद पालते हैं, वही एक एक नया बहाना बनाते हैं। किसने किया विवाद? विपक्ष वाले विवाद कर रहे हैं। जैसे कि? जैसे कि मान लीजिए सपा बसपा अन्य लोग पार्टियां के जो हैं, और ये बाबर जो है 500 साल पहले जो बाबर आए थे। ठीक है, आपने समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टियों की बात की है, जल्दी से डॉक्टर अजीज खान, विपक्ष की पार्टियां कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, विवाद क्रिएट कर रही है, नहीं तो अदालतें तो फैसला सुना ही देंगी, इंतजार कर लीजिए। समाजवादी पार्टी ने क्या विवाद पैदा करा दिया, ये क्या बोल रहे हैं? पहली बार दो तीन बातें अदिति जी देखें, आप अभी गौरव भाटिया जी ने दो तीन स्टेटमेंट दिया, आज पहली बार मैं इनके कुछ बातों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। ये देश के बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आज बहुत ही सभ्यता से और बहुत ही गंभीरता से इन्होंने बात रखी। इन्होंने एक बार स्वीकारा कि जो रिपोर्ट लीक हुआ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं और मेरे द्वारा जो मतलब मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, यानी इन्होंने एक बेहतरीन बात की। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी एक जो बयानबाजी हो रही है सरकार की तरफ से, रविंद्र जैन जी जैसा कि आपने दिखाया अभी चैनल पे कि साहब बयानबाजी, देखिए यही बयानबाजी तो घातक है। जहर कब तक घोलेंगे, इस जो नफरत का जो बाजार है कब तक इसे गर्म किया जाएगा? अरे भाई, इंसान को इंसान रहने दीजिए, पड़ोसी को पड़ोसी रहने दीजिए, मोहब्बत से रहने दीजिए, कौमी त्याग बरकरार रहने दीजिए, लोगों के अंदर नफरत का माहौल मत पैदा होने दीजिए। लेकिन अफसोस है कि ऐसे हालात नहीं बन पा रहे, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो ऐसे माहौल पैदा करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे देश का न्यायालय बहुत सटीक है और हम सब लोगों को उस पर भरोसा रखना चाहिए। फिर न्यायालय ने देखिए कितनी सज्जनता से, कितनी कितनी सद्भावना पूर्वक आज जो निर्देश दिया है, आज जो ऑर्डर पास किया है, उसमें सभी पक्षों का बहुत बेहतरीन ख्याल रखा है। अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा? सर मैं आपकी बात सुन रही हूँ सर, तो मुद्दे पर रहेंगे। इस देश में कानून का सम्मान होना चाहिए, किसी पैनलिस्ट को बताने की जरूरत है क्या सर? इस देश में भाईचारा कायम रहना चाहिए, किसी पैनलिस्ट को बताने की जरूरत है क्या सर? ये डिबेट, पॉलिटिकल पार्टीज और जो इसमें दूसरे पक्षकार हैं या दूसरे पक्ष हैं, उन सब का व्यू पॉइंट क्लियर करने के लिए आज डेवलपमेंट हुई कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बातें कही गई, मैं उन पर यहाँ पर डिस्कशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपकी पार्टी के स्टैंड की इस पर, और आपकी पार्टी के स्टैंड की बात इसलिए भी कर रही हूँ, अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू तो वहाँ पत्थर रख दीजिए, झंडा लगा दीजिए, मंदिर बना देंगे। तो क्या मंदिर बनाने में पत्थर नहीं लगता है, देवी देवता उसमें नहीं रखे जाते हैं, और क्या बिल्डिंग बंद नहीं बनती है, क्या होता है? उन्होंने क्या ऐसी गलत बात कह दी उसमें? ऐसी बात क्या कह दी कि एक मंदिर बनता है और उस मंदिर में पत्थर रखा जाता है, देवी देवता उसमें पूजे जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं, सारी बातें कही जो है, क्या ये बात का ठेका बीजेपी के लोगों ने ले रखा है? हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, अरे सुनिए, हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली उनका एक विचार है, मस्जिद बिना पत्थर बनती है क्या? तर्क है उनका अपना, सुन रही हूँ क्या? आप रास्ते में निकल जाए, ये उनका विचार है, ये समाजवादी पार्टी का भी विचार है। सुनिए ना, आप रास्ते में निकल जाइए, आप देखिए तमाम रास्तों में तमाम तरीके की कहीं ना कहीं मंदिर बना दी जाती है, कहीं ना कहीं वहां पत्थर रख करके पूजा पाठ किया जाता है, आस्था है लोगों का। और अगर आस्था है तो यही देश की संस्कृति है, देश की संस्कृति यही है कि खूबसूरती है कि लोग इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी आस्था है, और आस्था से मुझे लग रहा है किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, हम सभी लोग सम्मान करते हैं। सुनिए, आस्था और आक्रमण में, आस्था और अतिक्रमण में, दोनों में फर्क होता है सर, चाहे वो आक्रमण हो या अतिक्रमण। आक्रमण करके तोड़कर बनाने में फर्क होता है सर, ये फर्क आपको भी मालूम है, और इतने तो आप वरिष्ठ हैं कि ये फर्क आप अच्छे से जानते हैं। क्या आक्रमण कर दिया गया? कहां आक्रमण कर दिया? कहां आक्रमण कर दिया बताइए आप भाई, हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है? नहीं, हिंदू पक्ष क्या दावा कर रहा है? हिंदू पक्ष का दावा क्या है? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, दावा करने से पूरी बहस हो रही है, आपको उस इतिहास का ही नहीं पता है डॉक्टर अजीज खान? आपको सुनिए ना, उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है क्या? नहीं, इतिहास में औरंगजेब का आगमन कैसे करते हैं? एक पक्ष ने, सुनिए ना, अरे सुनिए, आपका सवाल खत्म हो गया। एक पक्ष ने दावा कर दिया तो कोर्ट ने उसे एडमिट कर लिया क्या?
भाई दावा तो लोग करते रहते हैं, मुस्लिम पक्ष अलग दावा करेगा, हिंदू पक्ष अलग दावा करेगा, इस कोर्ट, इस देश में संविधान है, कोर्ट है जो कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या हुआ, आक्रमण हुआ नहीं हुआ, तोड़ के बना ऐसे बना क्या हुआ, हम आप कौन होते फैसला करने वाले? जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब गौरव भाटिया आपका, उसके बाद मेरे से योगी अरविंद हमारे साथ है, जल्दी से जवाब गौरव भाटिया आपका, गौरव भाटिया आपका जवाब, आक्रमण और आस्था में फर्क होता है, समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रही या जानबूझकर नहीं समझना चाह रही? देखिए आदित्य जी, हमारे साथी हैं अजीज और बड़े ही अजीज हैं, उन्होंने कहा मैंने गंभीर बात करी, धन्यवाद। काश ये गंभीर बात, परिपक्व बात एक पूर्व मुख्यमंत्री करता, और नफरत का बाजार जो सचता है उसमें सबसे बड़ा सौदागर कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि कल उन्होंने दो पाप किए थे। पहला पाप ये किया था अजीज जी, आपको मैं बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है लेकिन उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और संदर्भ था काशी का और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। दूसरा पाप है, कहते हैं पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो मंदिर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मौलाना अखिलेश के पास इतनी हिम्मत होगी कि कहें कि रोड पर कहीं भी चटाई रख दो, नमाज पढ़ लो तो मुसलमान बन जाएगा? नहीं कह पाएंगे। उसकी वजह जो बिल्कुल आप पहले बता रहे करने का तरीका नहीं, आप सभ्यता से रहिए, आप लखनऊ के रहने वाले नहीं बोलेंगे। आदित्य जी इनको चुप कराइए, आदित्य जी इनको चुप कराइए, आदित्य जी इनको पहले रोकिए, आदित्य जी इनको चुप कराइए। ये क्या तरीका होता है, मौलाना अखिलेश क्या होता है मौलाना गौरव भाटिया कैसा लगेगा? आपने वो किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है सर? एक सेकेंड, मेरी बात सर नहीं सुनिए, आप यही कर लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं आप पूरी कर सकते हैं लेकिन आप सभ्यता से और बहुत ही सज्जनता से और प्राइवेट बात कीजिए। 30 सेकंड से करो प्लीज, जल्दी से, धन्यवाद, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। देखिए चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं आपको तर्क संगत बात करता हूँ। जब आप ये कहते हैं कहीं पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो और मंदिर बन जाता है, तो आप किसको अपना दुश्मन मान रहे हैं? हिंदुओं को। और ये भी बात अजीज जी जान लीजिए, हम बात कहाँ कर रहे हैं, ज्ञानवापी मंदिर की, काशी की। तो अखिलेश यादव को मौलाना नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं से सबसे ज्यादा नफरत किसी को है तो वो अखिलेश यादव को है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, शफीकुर रहमान बर्क, क्या उन्होंने कल ये वक्तव्य नहीं दिया? उन्होंने कहा ये झूठी बातें हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि न्यायालय अगर कह रहा है कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी तरह से सुरक्षित कर दो, तो शफीकुर रहमान बर्क जो एक सांसद है वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहते हैं सौहार्द बिगड़े, आप चाहते हैं कि हिंदुओं का अपमान हो, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और याद रखिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जितने दूसरे धर्मों के हैं उतने ही हिंदुओं के हैं। हिंदू अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए, साइकिल पंचर हुई है, ऐसा ना हो टायर फट जाए। हमारे साथ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज जो कुछ कहा गया वो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दर्शकों की बात कर रही हूँ और डॉक्टर अजीज खान वापस मैं आपको फ्लो दूंगी और कलीमुल हफीज आपको भी मैं मंच दूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद जो हम बात कर रहे थे, एक तरफ ये अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके पास ये मामला है, दूसरा इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी दुहाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी दी है, मुस्लिम पक्ष ने भी दी है। इस क्वेश्चन पर डिसीजन भी डिस्ट्रिक्ट जज को ही लेना होगा, इसके मेंटेनेबिलिटी को लेकर भी। बिल्कुल, मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल उठाया गया है और मुस्लिम पक्ष का जो आवेदन, जो कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज इस पर सुनवाई करेंगे, वो यही है कि ये याचिका सुनवाई लायक ही नहीं, क्योंकि ये सीधे तौर पर 91 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन अदिति महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों जो पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, उनको उनकी राय इसको लेकर के अलग अलग है। मसलन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि
ये जो ज्ञानवापी है असल में ये मस्जिद न होकर मंदिर है। उनका ये कहना है कि इस्लामी शासन से हजारों साल पहले, ब्रिटिश कैलेंडर से सदियों साल पहले से ही ये आदि विश्वेश्वर की संपत्ति रही है, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना होती रही है और यहाँ पर लोग परिक्रमा के लिए आते रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि सदियों साल पहले भी और 15 अगस्त 1947 को, जो कि कट ऑफ डेट है इस कानून के हिसाब से, और आज भी इस जगह में ये जगह मंदिर ही है। उनका यह कहना है कि औरंगजेब ने इस जगह के एक हिस्से को तोड़ करके मस्जिद जरूर तामीर कर दी, लेकिन उसने कोई वक्फ स्थापित नहीं किया। कोई भी मस्जिद के लिए अगर जमीन दी जाती है तो एक वक्फ क्रिएट करना जरूरी होता है। अरविंद, मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, कई मेहमान मेरे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के जी जी ठीक ठीक दलीलों की बात बार बार की गई है और हमारे दर्शकों को हमने बताया भी है कि क्या पक्ष, क्या दलील रखी गई मुस्लिम पक्ष द्वारा और हिंदू पक्ष की दलील क्या है। लेकिन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है, वो इम्पॉर्टेंट सवाल अब इस बात को लेकर भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कहाँ पर है, क्योंकि जुलाई में इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है। बिल्कुल, मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी जिसमें सिविल कोर्ट के आदेशों को चैलेंज किया गया है, वो सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखी हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से कहा है कि वो मेंटेबिलिटी को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष का की याचिका है उस पर सुनवाई कर फैसला ले लें। कोर्ट का ये कहना था कि अगर निचली अदालत से मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज भी होता है तो ऐसी सूरत में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वो अप्रोच कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात अदिति में जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि क्या किसी जगह के रिलीजियस करेक्टर का निर्धारण करना भी इस कानून के तहत प्रतिबंधित है। यानी उनका सवाल ये था कि अगर एक जगह से कई समुदाय से जुड़े धार्मिक प्रतीक मिल रहे हैं तो असल में उसका रिलीजियस करेक्टर क्या है, अगर इसको निर्धारित करने की कोई कवायद चल रही है क्या उसके लिए भी ये कानून रोकता है? ऐसा तो नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये अपने आप में एक बहुत अहम टिप्पणी की है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनका ये कहना था कि लेकिन ये बात तो विवादित है ही नहीं कि 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, ये मस्जिद नहीं, मंदिर ही था, हमेशा से रहा है। तो ये अपने आप में एक दलील हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ठीक है, स्वरूप बिगाड़ा नहीं जा सकता इस कानून के मुताबिक, लेकिन स्वरूप का निर्धारण करने के लिए जो कवायद हो रही है क्या वो भी अपने आप में इस कानून के तहत प्रतिबंधित है? ये अपने आप में एक बहुत अहम टिप्पणी थी। और इस कानून का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इन्वोक किया गया, जस्ट टू बी फैक्चुअल। बिल्कुल वही जिस कानून के जो प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप रहा है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, उस पर ही कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि अगर किसी जगह के रिलीजियस करेक्टर का निर्धारण हो रहा है तो क्या वो भी इस कानून के अंदर प्रतिबंधित है? क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मस्जिद न होकर असल में मंदिर है, जो इमारत तामीर की गई है जिसे मस्जिद कहा जाता है वो वैध मस्जिद नहीं है, हिंदू पक्ष का ये कहना है, क्योंकि औरंगजेब ने कोई वक्त क्रिएट नहीं किया था, और जिस जगह पर ये मस्जिद तामीर भी की गई है उस जगह से देवी और भगवान गणेश की मूर्ति आज भी विद्यमान है। कलीमुल हफीज, जो दलील सबसे बड़ी दलील, ठीक कलीमुल हफीज, सबसे बड़ी दलील असदुद्दीन ओवैसी की 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही रही है। आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब आपकी पार्टी क्या कहेगी? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर कट व्यू है कि उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें ये उम्मीद है कि वो 1991 के एक्ट का जो रियल पर्पज है कि जो भी 47 में मस्जिद थी वो अब आज तक मस्जिद रहेगी, और चूंकि पहले से कोर्ट का जजमेंट मौजूद है 37 का कि ये हनफी वक्फ बोर्ड की वक्फ की आराजी है, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक मस्जिद है, तो करेक्टर इसको डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तो उसी पर ही तो जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी है सर जी, मेरा वही तो आपसे सवाल है सर, उसी पर तो टिप्पणी की है ना जस्टिस चंद्रचूड़ ने, उस पर जवाब दीजिए ना आप मुझे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा है क्या ये 47 में क्या करेक्टर था, क्या उसको चैलेंज नहीं किया? ये तो आप दलील दे रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, वो जब 37 का जब उनके सामने जजमेंट जाएगा, जो जो दीन मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट है वो जजमेंट जब जाएगा उनके पास, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये मस्जिद है। दूसरी बात, ये एक और भी पॉइंट था जो हमसे पहले हमारे भाटिया जी बोल रहे थे, जो आज बड़े सभ्य नजर आ रहे हैं, ये कल तक ये उस रिपोर्ट पे बाकायदा डिस्कस कर रहे थे, और मैंने भी आपसे उस पर मैंने कोट किया था आपको भी कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग, के रिपोर्ट जो लीक रिपोर्ट है उस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। आज जब फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने तब ये खामोश हुए हैं। ये जो सभ्य नजर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है,
तो सवाल इतना सा नहीं है अभी इस केस के, तो बहुत पहलू हैं, आप सारे पहलू जाहिर बात है अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्कस होंगे और जो फैसला आएगा उसका। नहीं नहीं, सबसे क्या मतलब है आपका? और सुनिए मेरी बात, मीडिया अगर लीक रिपोर्ट दिखा रहा है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, अगर सवाल है किसने उसे वाजिब ठहराया कि रिपोर्ट को लीक किया जाना चाहिए, किसने इस बात को डिफेंड किया? सरकार के लोग उसको सही ठहरा रहे हैं। हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ढूंढते रहते हैं? सरकार का मतलब क्या है? इज पुटिंग हिज व्यू पॉइंट, यू आर पुटिंग योर व्यू पॉइंट। अब सरकार के लोग यही जो आज सभ्य बने हुए हैं, कल उसको अच्छा से अच्छा बता रहे थे, कल उसी पे बहस कर रहे थे ये लोग। आप इनसे, इनको तो कटघरे में खड़ा करेंगे। चलिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, मैं मानता हूं कि आप उसके फेवर में नहीं है। चलिए आपने गोपनीय भंग भंग जो जिसकी गोपनीयता भंग हो गई उसको दिखा दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट के, आपके बेनिफिट ऑफ डाउट की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी अदालत में पेशी नहीं करती हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, आपके मैडम इनसे तो पूछिए, ये तो सरकार में है, अदालत जो है वो जनता की अदालत है, ये वकील भी है, सरकार में भी है। कल क्यों बहस कर रहे थे उससे? आज तो कह रहे हैं कि हाँ साहब नहीं होनी चाहिए। से जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए। तो आपने शायद उनका, आपने शायद उनका इनिशियल कमेंट नहीं सुना, आपने उनका इनिशियल कमेंट नहीं सुना, आपने एक बार फिर से सवाल उठाया। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स प्लीज। अदिति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये मुस्लिमीन पार्टी जिसके नाम में ही मुस्लिमीन है, इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके चैनल पे राष्ट्रप्रवक्ता होने के नाते हमने तो कहा ना, जो फैसला न्यायालय का आएगा हम मानेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय की मानिए, आप तो न्यायालय का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, सम्मान ही नहीं कर। प्लीज शांत शांत, देखिए शांत करें, मैं शांत हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एहसास करा रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया ना आपको, आप सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए हुआ क्या कि न्यायालय में मामला चल रहा था, लेकिन ओएसी जी बोल रहे थे कि ये ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। कैसे रहेगी जी? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये ज्ञानवापी मंदिर है तो क्या करेंगे ओएसी जी? आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जो ग्रेड है उससे ऊपर का सवाल है। दूसरी बात, हुआ क्या इतिहास में, देखिए अयोध्या मामले में ओएसी जी का ट्वीट मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा ये फैसला आने के बाद है सर्वोच्च न्यायालय का कि ये बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और ये क्या है, ये न्यायालय की अवमानना है। लेकिन ओएसी जी तो वो है जिनके छोटे भाई औरंगजेब की मजार पे जाते हैं, और अदिति जी ये लोग मुगल को अपना आदर्श मानते हैं। आप लीक बोलिए ना, आप लीक पे बोलिए जिसका सवाल है, आप इधर उधर मत भागिए, उस पर भी हम जवाब देंगे। आप ये बोलिए जो कल तक आप बहस कर रहे थे, आज सब में कैसे हो गए अदिति जी? आप लीक रिपोर्ट पे बोलिए ना, नहीं लगता आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हम उस पे भी बोलेंगे, मैं आपको मैं जवाब दूंगा। आपके ग्रेड हो सकता है आपका ग्रेड इस लेवल के ना हो, लेकिन मैं जवाब देने जाऊंगा आपको। मुझे दूसरे गेस्ट को भी जगह देनी है प्लीज, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, ये तरीका भी टाइम देना है प्लीज। करीमुल हफीज, धन्यवाद प्लीज। देखिए मैं अब दर्शकों के लिए एक बात कहूंगा, जितनी बार ओएसी जी ने या इन्होंने जो ब्रीफलेस बैरिस्टर है, संविधान बोला नहीं होगा, उससे ज्यादा संविधान पढ़ा है हम लोगों ने, न्यायालय में गए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में इनको ये बता दूं, पहली बात वो चैलेंज्ड है, सर्वोच्च न्यायालय ने ही उस पर नोटिस कर रखा है। दूसरी बात, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर इतना अच्छा लगता है, उनका सवाल लीक रिपोर्ट को लेकर है, उस पर आपका जवाब। पूछो अब्बा का नाम बता दीजिए सर, उनका सवाल आपसे रिपोर्ट पे, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैं बताता हूँ जल्दी से 20 सेकंड सर, मैं लीक्ड रिपोर्ट पे भी उत्तर दे देता हूँ। लीक्ड रिपोर्ट पे उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, लीक रिपोर्ट होना गलत है, लेकिन उससे उसके जो तथ्य हैं, जिस बात पे रिपोर्ट आती है वो गलत नहीं हो जाता है, दोनों का फर्क समझिए। तभी मैंने कहा कि रिपोर्ट लीक हुई, न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, आप गलत लेकिन नहीं कह सकते, आपको सामने आया और मीडिया ने भी उजागर किया। सूट में सरकार नहीं होती है, सूट में सरकार नहीं होती है, आपको पता नहीं किसने किया, आपको वादी होता है प्रतिवादी। देखिए आप कहीं से भी किसी को ले आते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि एक सूट में सरकार नहीं होती है, इनको ये भी नहीं पता है वादी और प्रतिवादी के बीच में है सूट। अब नहीं पता तो कौन सिखाएगा? बैरिस्टर ओएसी थोड़ी ना सिखाएंगे, उनको तो खुद ही कानून नहीं आता, वो तो सीए का बिल फाड़ देते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप कभी आइएगा चाय पीने, मैं सिखा दूंगा। पहले मौलाना अखिलेश जी सीख के आए, अब आपको मोदी जी हमेशा से सिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं चाय पीने नहीं सिखा रहे हैं, आप लीग रिपोर्ट को तो बोला नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और आप अपने आप को वकील भी कहलाते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि आप कैसे वकील हैं भाई, आपको जो सीधा सवाल दिया जाए आप सीधा जवाब नहीं देते। आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, ब्रीफलेस बैरिस्टर से जाके बात।
करिएगा, एक आज तक उनका रिपोर्टेड जजमेंट नहीं होगा। मैं 100 से ऊपर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिखा दूंगा आपको। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको बहुत सुशील लोग हैं, 41 साल की उम्र में वापस आएंगे, वापस आएंगे, उसको हम बाकायदा उसकी साध्वी गीतांबा जल्दी से मैम आपका कॉमेंट जल्दी से। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया गया और जो डिस्कशन आपने सुना कुल मिलाकर वही बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। बिल्कुल सही हुआ है और हमारा अदालत जो बनारस का है वो निर्णय करेगा, हम लोगों को मान्य होगा और सबूतों के आधार पर निर्णय होता है। सबूत अपने पक्ष में है, सब कुछ मेरा है, वजू खाना में भगवान को इन लोगों ने कैद किया था वो भी मेरा है और ज्ञानवापी की जितनी दीवारें हैं अगर उसको अंधा आदमी भी टटोले तो वो भी मेरा है। ऊपर एक टोपी इन्होंने लगाया है, वो टोपी उतर जाएगा, मंदिर निकल आएगा, बात खत्म हो गई। नहीं, ये आपका दावा है, नहीं ये तो दावा नहीं है, ये करेगी किसका क्या है, ये तो अदालत डिसाइड करेगी। काशी का दावा है, नहीं नहीं, काशी का बच्चा जानता है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, क्योंकि हम लोगों के संस्कारों में ही ये घोला गया है कि ये मंदिर है, तो इसको कोई नहीं नकार सकता, ना हिंदू नकार सकते हैं ना मुसलमान। वो अलग बात है कि गले के ऊपर से बोल रहे हैं तो बोले, कुछ दिन की बात है, बोल लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि संतोष के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अदालत प्रमाणों से चलती है, आस्था से नहीं चलती। तो प्रमाण ही तो है मेरे पास, मेरे पास सारे प्रमाण है, नंदी प्रत्यक्ष प्रमाण है, नंदी को आप देखिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, पंचगंगा घाट प्रत्यक्ष प्रमाण है और मणिकेश्वर मणिकर्णिका घाट मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है मौलाना मोहम्मद असलम, हमारे यहाँ प्रमाण ही आपके कहने भर से प्रमाण होते नहीं है, लेकिन आप प्रमाण का दावा करिए, आप सुन लीजिए मौलाना मोहम्मद असलम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब से होश संभाले हैं तब से उसको हमने मस्जिद के रूप में देखा है और उसमें हम खुद नमाज पढ़े हैं, वजू बनाया है। अब रही है कि आज वो अदालत का मामला बना हुआ है, मैं अदालत का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल, जहाँ तक दावे की बात है, चाहिए आपको जहाँ तक दावे की बात है तो वो मस्जिद आज की नहीं है, अंग्रेज के पहले मुगलिया बादशाह आए, अकबर के जमाने से आलमगिरी नाम था उस मस्जिद का, ज्ञानवाफी नाम से वो मस्जिद नहीं था, ज्ञानवाफी तो उस मोहल्ले के नाम बोलते हैं आप, ज्ञानवाफी तो उस मस्जिद ज्ञानवापी क्यों बोला जाता है, सब जगह लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास में जाएंगे तो आप हार जाएंगे मौलाना जी, इतिहास में मत जाइए, आप अपने जबान पर पक्के रहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला पक्ष में है। मस्जिद के बारे में तो अभी तक औरंगजेब का ही इतिहास मेरे पक्ष में है, इतिहास में आज आपने नया इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया, आज आपने मौलाना साहब आज आपने नया इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने इतिहास तो स्वीकार लीजिए, वो बाकी तो कोर्ट डिसाइड कर लेगी, लेकिन इतिहास के साथ तो किसी तरह जबान पर रहिए, उसके उसके तो डिनाइल में मत रहिए मौलाना साहब। इतिहास पन्ना पन्ना बोलता है की ठीक है, मुफ्ती मंजूर जिया यहाँ पे कॉमेंट करना चाह रहे हैं, उनका एक कॉमेंट ले लेते हैं। भाई अदालतें तय करेगी, मुफ्ती मंजूर जी मैं आपको और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जो कह रही हैं कि यकीनन अदालतें तय करेंगी, मैं भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यकीनन अदालत अब तय करेगी क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। लेकिन तारीख पढ़ने और पढ़ाने की जहां बात है तो मैं आपको बताऊं कि तारीख हर एक को पढ़ना चाहिए और हम आपके ऊपर तारीख पढ़ने और पढ़ाने के बारे में थोपे नहीं कि आप हमारी तारीख पढ़ लीजिए जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तारीख के औराक पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोडरमल ने भी उस मस्जिद की तजदीदकारी की है, उससे पहले भी उस मस्जिद की तजदीदकारी हुई है, औरंगजेब ने भी तजदीदकारी की है। लेकिन साध्वी जी जरा ये बताएं आप कि उस मंदिर को जो कि काशी विश्वधाम है, बहुत ही सम्मानजनक है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो लेकिन आप ये जरूर बताएं कि उस वक्त जब औरंगजेब के जमाने में वहां पर तोड़ फोड़ की गई थी, कच्छ के राजाओं ने आकर के तोड़ा था, तो क्यों तोड़ा था, कच्छ के राजा कौन थे और महारानी के साथ वहां क्या तकलीफ हुई थी जिस बुनियाद पर वो हादसा पेश आया, और भी औरंगजेब के आसपास इलाके में भी और भी मंदिर थे, तो क्या उस मंदिर को तोड़ा नहीं था उन्होंने। एक मिनट, अब मैं आपको बताऊं, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, सुन तो लीजिए, आप रुक जाइए, सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए, आप पहले आदित्य जी का प्रोग्राम जो है ना, आदित्य जी हर एक को मौका देती है बोलने का, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को कंप्लीट होने देंगी। नहीं नहीं आदिति जी आप ही मॉनिटरिंग करती हैं, आप हर एक का मौका देख लेती हैं, हमें मौका दिया है तो हमें कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद साध्वी जी बता देंगे, हम चुप रह जाए, ठीक है।
और अगर आप कहेंगे चुप रहने के लिए तो हमें चुप रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो हमारी बड़ी बहन है इस मुल्क में, हमने आपके हमने हिंदू भाइयों को बड़ा भाई कहा है, आप हमारी बड़ी बहन, आप कह रही तो चुप हो जाते हूँ, सुनाइए आप। नहीं नहीं मैं आपकी छोटी बहन हूँ, नहीं नहीं मैं आपकी छोटी बहन होंगी सर, मैं अदिति जी आपके प्रोग्राम का रूल कैसे टूट गया, अदिति जी आपके प्रोग्राम का रूल कैसे टूट जा रहा है कि आप जिसके मौका रहता है उसको बोलने देते नहीं। आप चुप, आपको चुप रहने के लिए नहीं कहा गया सर, मेरी बात सुन लीजिए मुफ्ती मंजूर जियाई, आप अगर चुप रहने का मतलब, अगर सवाल का जवाब लेना आपकी नजर में चुप रहने के लिए बोला जा रहा है आपको, तो सर फिर तो कितना कोई डिबेट आपके साथ कर पाएगा, उसे ही लेकर अपने आप पे एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, अपने आप पे बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। देखिए मैंने मेरा टर्न था, मैं अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आपने कहा चुप रहिए तो चुप हो जा रहा हूं। दीजिए जब देश पूरा देश आपका जवाब का इंतजार कर रहा है, दीजिए जवाब। मैडम खेलने की आदत है सर, नहीं नहीं विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्लीज, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। अदिति जी साध्वी जी जवाब देना चाह रही हैं, मैं अदिति को इस डिस्कशन में लेकर आती हूं क्योंकि साध्वी जी ने चुप रहने के लिए कहा और जवाब दे रही हैं, तो जरा जवाब पूरा मुल्क सुने ना। बिल्कुल देना चाह रहे हैं साध्वी की तांबा प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल देना चाह रहे हैं। जो आपने टोडरमल का नाम लिया, टोडरमल ने हमारे जो स्वयंभू सरकार का शिवलिंग था उस पर मड़ी लगवाया था, उन मड़ियों को निकाल करके आप लोगों ने पत्थर लगा दिया और अजूब खाना बनवा दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? नंदी आज भी बैठे हुए प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप क्या बात कर रहे हैं? मस्जिद की तरफ हमारे नंदी मुंह करके क्यों बैठेंगे? आपको जरा सा भी आकर के देखिए काशी में, पहले आप यहाँ को आके देखिए, वहाँ की दीवारें हमारे जो वहाँ की दीवारें जवाब दे रही है। प्लीज रुक जाइए एक सेकंड, आप मुफ्ती मंजूर जी आई प्लीज 20 सेकंड्स, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ अनुराधा सिंह है, इतिहासी की स्पेशलिस्ट है, वो इतिहास की ही जानकार है। मुझे लगता है जब इतिहास को लेकर इतनी ज्यादा दुविधा हो लोगों के मन में तो एक इतिहासकार के पास ही जाना चाहिए। बात पूरी कर लीजिए, 30 सेकंड्स आपके पास, जल्दी से प्लीज। देखिए जी जी मैं इतिहासकार से जरूर ये पूछना चाहूंगा और पूरा देश इस बात को जानना भी चाहता है, और मेरी जानकारी में भी बढ़ावा इतिहासकार जो है वो जरूर कर देंगी कि वो नंदी जी का जो वहां पर जो विराजमान है, वो नंदी जी का जो रुख आपके कहने के मुताबिक शिवलिंग की तरफ है, तो वो नंदी जी की स्थापना वहां पर कब हुई थी और किसके जरिए से वो तोहफे में वहां पर नंदी जी आई थी और उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है, जरा इतिहासकार उस बारे में बता दे तो हम लोगों की जानकारी में इजाफा हो जाएगा। अनुराधा सिंह, अदिति जी मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि काशी में शिव और शैव संप्रदाय की यदि हम बात करें तो वो अति प्राचीन, इसकी प्राचीनता तो इस्लाम के उदय के बहुत ही पहले जाएगी। जहाँ तक आपके नंदी के मस्जिद की तरफ देखने की बात है तो आप समझ लीजिए इस बात को, आपके सामने जो सबसे प्राचीन प्रमाण मैं दे सकती हूँ तो वो मौर्योत्तर काल ईशा के प्रारंभिक सदियों में, जबकि भारशिवों ने शिवलिंग की बात की है, शिवलिंग को लटका करके जैसा इस नाम से लगता है कि भार और शिव, और राजघाट के उत्खनन में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें उन मुहरों में अवमुक्तेश्वर नाम लाता है जिसका शाब्दिक अर्थ ही है कि जिसे शिव ने कभी मुक्ति ही नहीं किया, काशी उनको इतना प्रिय थी। और जहाँ भी काशी में शिव की बात की जाती है तो जहाँ शिव वहाँ नंदी, इसका प्रमाण संपूर्ण पौराणिक ग्रंथों में पुरातात्विक स्रोतों में मिलता है। और मुक्तेश्वर जो कि गुप्तकालीन माना जाता है, आगे के समय में जब इसका विकास होते हुए हम जाते हैं गढ़वाल कालीन, तो गढ़वाल और कलचूरियो दोनों ही के समय में काशी जो है उनकी सांस्कृतिक राजधानी थी। आपको मैं अभी इसका बताती हूँ, इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में तमाम कथानक के माध्यम से इस बात का जिक्र आता है कि शिव का जो सबसे प्राचीन मंदिर काशी में है, जो कि मंदिर का रूप लिया है, वह अवमुक्तेश्वर जो आगे चलकर गढ़वालों के समय में अविमुक्तेश्वर मंदिर, आगे विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल कालीन आज भी आप मस्जिद के पीछे की जो दीवार देखते हैं, इस बात को भी दर्शा दें कि आपने कितने स्थापत्य का इतिहास प्रमाण है हमारे पास, देखे होंगे और शिव जहाँ पे है अंदर में 63 सेंटीमीटर का होल आपने देखा है, मैडम जरा वो भी बताते जाइएगा जरा। देखिए आपका जो ये आप इतना सतही बातें ना करें तो अच्छा होगा। मैं इसके लिए आपके पास प्रमाण लाती हूँ
कि हमारे पास काशी के सैव दर्शन को समझने के लिए चाहता है मैडम हमारा स्कंद पुराण काशी खंड दूसरा बात वायुपुराण उसमें मैं उसमें इस बात का ये जिक्र किया गया है इतिहास में तो जरूर पढ़ा होगा ना मैडम जरा वो उस होल का भी तस्करा कर दें जो शिवलिंग के अंदर में होल है वो 63 सेंटीमीटर का है और जी न्यूज ने भी चला के दिखाया उस चीज को मैडम जरा उसको बताएं देश सुनना चाहता है हम लोग भी तो जाने कि कितने हैं आज के वक्त में कितने किस्म के जो लिंग होते हैं उसके अंदर में होल होता है जरा वो भी जान ले देश जी मैडम आपको मैं एकदम अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि आपको इसके लिए हमारे समक्ष जो है जो तमाम पुराण है और देखिए जी टीवी या किसी अन्य चैनल की बात नहीं है बात आपको समझना पड़ेगा कि शिव लिंग के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन हुआ हमें उस बात को समझना पड़ेगा उन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से आज के समय में आप वाला भी इस है। बात को लेकर के पंडित प्रसाद दीक्षित आप देखिए जहाँ 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 स्कंद पुराण में ज्ञानों की बात की जा रही है अच्छा उसी जिस पुराण की बात कर रहे हैं अगर आप सुनकर भी अनसुना करना चाहते हैं आप यदि वो चार बार बोल चुकी हैं आप शायद सुन नहीं रहे हो ध्यान से सुनिए सवाल प्रिपेयर कर आने के बाद जरूरी होता है काउंटर क्वेश्चन करने के लिए सुनना चाहिए जवाब भी सुन लीजिए पंडित प्रसाद दीक्षित सुने पंडित सुने सब आप लोग की बात सुन ली गई है सुने तीनों लोकों से न्यारी काशी हमारी और सर्वविदित है केवल काशी में ही नहीं हिंदुस्तान में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को विध्वंस करके एक भाग को तोड़ करके उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया है ये कोई काशी की बात नहीं है पूरा हिंदुस्तान जानता है कच्छ के राजा ने हाँ जिन लोगों ने ऐसी बातें तोड़ा गया कच्छ के राजा ने और उनकी महारानी के साथ नाइंसाफी की बुनियाद पर से हमने आंख खोला वहां पर अब बोले ना सुने चुपचाप पहले सुने चुपचाप आपके भी आप बोले मैं बोला क्या पहले सुने फिर बोलिएगा उत्तर अभी हमारे मुस्लिम भाई हैं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही पैनल में खड़े हैं इन्होंने कहा जब से हमने आंख खोली वहां मस्जिद पाया सही बात है क्योंकि तोड़ा तो कई सौ साल पहले गया है तो जब आंख खोलेंगे तो देखे हैं यही चीज भ्रमित है लेकिन कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मंदिर का विध्वंस नहीं किया गया मंदिर का विध्वंस करके ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण हुआ है ठीक है ठीक है औरंगजेब के फरमान में आया है जो कि राजस्थान के म्यूजियम में पाया गया है अभी सभी लोग जान रहे हैं ये शुरू से ही वहां रखा हुआ है हमें देखिए इस बात का ये वाद विवाद का विषय है ठीक है लेकिन हम जब इतिहास में इतना जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है मुफ्ती मंजूर जियाई ये आपके लिए भी समझने की जरूरत है आपका दावा है जैसे मैंने अभी साध्वी गीतांबा को कहा कि ये आपका दावा है ऐसे ही आपका भी दावा है तो कोर्ट को डिसाइड कर लेने दीजिए ये जो आप क्विज चला रहे हैं यहाँ पर कि ये बताइए वो जवाब दे रही है और आप सुनना नहीं चाह रहे सर तो ये क्विज तो चलाइए सर लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन या तो कोर्ट लेगा या आपसी सहमति से इस पर बात बनेगी सुन रहे हैं कलीमुल हफीज कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से जी बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ ये काशी के महंत का ये सवाल था कि अगर ये नया शिवलिंग मिल गया है तो पुराना वाला क्या झूठा है और अगर पुराना वाला है और ये भी है तो क्या ज्योतिर्लिंग 13 हो सकते हैं ये जरा पंडित जी से सवाल पूछ लिए काशी के एक महंत है उनका ये सवाल था इसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला मैं जवाब सुनना चाहता हूँ साध्वी की तांबा से जवाब ले ले पहले आप काशी में बहुत महंत हैं बहुत मंदिर है आप कौन से महंत हैं जरा उनका नाम बताइएगा तो हम उनसे बात करेंगे तिवारी पहली बात दूसरी बात आपने होल की बात की 400 साल से मंदिर का मूर्ति तुम्हारे कंट्रोल में है एक मिनट रुकिए कंट्रोल में है और आप मूर्ति में होल नहीं कर सकते आप मूर्ति में होल भी किए मूर्ति से छेड़छाड़ भी किया और मूर्ति को प्रमाण भी बना रहे हैं प्रमाण है आपने होल किया है मूर्ति में और वो मूर्ति है तो इसमें कोई संदेह नहीं आप बारह फब्बारा जो दुनिया का आप बोल रहे हैं ना बोलते रहिए और दूसरी बात हाँ बुलाइए आप किस कौन से पुजारी की बात कर रहे हैं जरा महंत राजेंद्र तिवारी तिवारी 14 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ तो 108 ज्योतिर्लिंग है 108 ज्योतिर्लिंग है तो मेन कौन सा है ये तो 12वां है ना 12 धाम है 12 है या 13वां है या सुने आप
आप सुन ले, बताइए ना महंत का नाम बताइए, हम लोग पूछेंगे। राजेंद्र तिवारी, राजेंद्र तिवारी बताइए, हम जाकर पूछेंगे। राजेंद्र तिवारी भी हमारे साथ है, हाजी खान भी हमारे साथ है, राजेंद्र तिवारी है जो काशी के हमारे साथ है। जल्दी से उनका भी एक कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद जो पॉलिटिकल गेस्ट है एक एक कमेंट में उनका लूंगी। प्लीज कलीमुल हफीज, कलीमुल हफीज, कुछ 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 यहाँ पर सवाल उठाना ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के बीच जो वाद विवाद हो रहा है उस सबके बीच में ये भी सोच रही हूँ, एक कोर्ट तो आप ही लोगों ने लगा ली आपस में, एक कोर्ट तो आप ही लोगों ने लगा ली। डिस्ट्रिक्ट जज साहब को ऐसी चार डिबेट देख लेनी चाहिए और केसेस डिसाइड कर देने चाहिए। नहीं मैडम, आपका शो है और कचहरी अदालतों की, विद्वान लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और काशी नगरी है, आप काशी का, आप गंगा के घाट पे खड़ी हुई है, तो हमें अगर हमारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा तो बुरा क्या है, खान देश भी जान जाएगा इस बहाने से। तो हाँ हाँ, तो बढ़ा, अब आपका ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बस नहीं, अभी नहीं बढ़ा, हमें सवाल जवाब ही नहीं मिला। आप ये हमारा सवाल बढ़ा या नहीं, हमारा सवाल ये है। हाँ सर, आपको 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 हाँ, आप मुझे पता था कि आपका ज्ञान, आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सर, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक अलग व्यू पॉइंट और एक ओपन अप्रोच की और साइंटिफिक अप्रोच की भी जरूरत पड़ेगी, जो मुझे पूरा यकीन है जब कोर्ट में ये मामला आएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जब ये कोर्ट में मामला आएगा तो बहुत डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। बहुत मुश्किल है, यही हमने डिबेट्स में देखा है। हाजी खान, और उसके बाद सर कोर्ट तो आपने लगाई है, मैंने तो डिस्कशन के लिए बुलाया था, मैंने तो मंच दिया था। आपने वकील बिठा रखे हैं, लगाई है सुप्रीम कोर्ट के वकील बिठा रखे हैं, तो आखिर हम तो सवाल तो करेंगे। प्लीज जल्दी जल्दी।